नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रहा हूँ मशरूम की सब्ज़ी, जिसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया हूँ। और ये एकदम इसका जो स्वाद आया है वो एकदम मटन की तरह आया है। तो चलिए हम लोग प्रोसेस को शुरू करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज लिया हूँ, फिर मशरूम हम लोग एक पैकेट लिए हैं जिसे हम लोग अच्छे से धो के काट लेंगे। इसके साथ ही साथ मैं धनिया लिया हूँ, धनिया को भी हम लोग अच्छे से धो के इसको चॉप कर लेंगे। चलिए, अब प्याज हम लोग कटिंग कर लिए हैं यहाँ पे। इसके साथ ही प्याज के साथ अब यहाँ पे मैं लहसुन ले लेता हूँ, लहसुन और थोड़ा सा अदरक। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लहसुन अदरक और प्याज तीनों को हम लोग को फ्राई करना है। पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैं लहसुन और अदरक को डालता हूँ इसमें और इसे फ्राई होने देता हूँ। उसके बाद हम लोग प्याज को भी ऐसे ही फ्राई करेंगे, इसे डीप रेड होने तक इसे फ्राई करने दीजिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से सब तरफ से ये पक जाए। वैसा कढ़ाई ढकेंगे नहीं यहाँ पे, इसे ओपन करके ही, ओपन लिड में ही आप इसे अच्छे से पकाइए। थोड़ी देर में ये फ्राई हो जाएगा, फ्राई होने के बाद आप इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर लहसुन अदरक और प्याज सब के सब हम लोग फ्राई कर चुके हैं। अब तीनों को यहाँ पे मिक्सी में हम लोग पेस्ट करेंगे। चलिए अब मशरूम की तैयारी करते हैं हम लोग। तो मशरूम चॉप्ड है यहाँ पे, इसमें मैं थोड़ा सा डालता हूँ जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर जिसे काली मिर्च पाउडर भी बोलते हैं, और यहाँ पे मैं चिकन मसाला लिया हूँ थोड़ा सा, और फिर मटन मसाला। साथ ही साथ हम लोग ये जो लहसुन अदरक और प्याज का जो पेस्ट हम लोग तैयार किए थे उसको भी डाल देंगे इसमें, और चॉप्ड धनिया जो हम लोग रखे थे उसे भी डाल देंगे। अब इस ग्रेवी का जो मेन सार है, ये नमक डाल देंगे हम लोग। इस ग्रेवी का जो मेन सार है वो है दही, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा दही भी डालेंगे। दही आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच यहाँ पे लगभग दही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेवी दही में ही बनेगा, और साथ ही साथ रेड मिर्च पाउडर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, बस इतना होने के बाद इसे आप अच्छे से थोड़ा सा हाथ से इसे मिक्स कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए अभी छोड़ दूँगा, ताकि मसाला जो है वो इसमें अच्छे से समा जाए। चलिए अब सब्ज़ी का तैयारी करते हैं। तो यहाँ फ़ौरन में मैं लिया हूँ सूखी मिर्च, खड़े गरम मसाले और तेज़पत्ता। कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें पहले हम लोग डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जो भी फ़ौरन के सामान था हमारे पास वो सब के सब हम लोग डाल देंगे इसमें। इसे थोड़ा सा होने दीजिए, और उसके बाद गैस को बंद कर दीजिएगा। गैस बंद करके इसमें हल्दी और मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो थोड़ा सा मिस हो गया था। तो हल्दी और मिर्ची पाउडर इसमें मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। उसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके फिर गैस ऑन कर लीजिएगा, और तब हम लोग ये देखिए यहाँ पे मैं सब डाल दिया हूँ। अब हम लोग इसमें डालेंगे मशरूम जो हम लोग मैरिनेट करके रखे थे। तो मशरूम को इसमें डाल के इसे अच्छे से चलाइए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से इसको चलाना है, और इसको ढक के थोड़े थोड़े देर में इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मशरूम हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम लोग ढक देते हैं, और ढक के थोड़े थोड़े देर के बाद आप इसे ज़रूर चलाते रहिएगा। ये देखिए पानी लगभग छोड़ना शुरू कर दिया है मशरूम, तो इसे थोड़ी देर और ढक के हम लोग सिखाएंगे। आप सभी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि इसका स्वाद जो आया है, मैं आपको क्या बताऊँ, जो नॉर्मल मशरूम हम लोग खाते हैं ना, उससे कई गुना अधिक आया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें मेहनत कम है। इसमें जो अनियन है ना, अनियन को आप फ्राई करके ऐसे भी रखते हैं, बहुत लोग घर में अनियन को फ्राई करके रखते हैं, क्योंकि उसे हम लोग बिरयानी में यूज़ करते हैं या फिर हर जगह उसे यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इसे हम लोग थोड़े थोड़े देर के बाद ढक ढक के इसे हम लोग बना रहे हैं। तो बस इसे फ्राई करते जाइए इसी तरह करके। ठीक है, अच्छा, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ख़ुद से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अपना जो भी आपका जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए हमें। तो थोड़ी देर के बाद फ्राई होने के बाद, जब वो फ्राई हो गया है, तो उसमें फिर जितना ग्रेवी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप उसमें पानी डाल दीजिए, और इसे थोड़ा देर और इसे फ्राई होने दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, बस लगभग होने वाला है ये देखिए यहाँ पे। इतना ग्रेवी ही हम लोग खाएंगे लगभग,
मेरे ख्याल से ये तो हो गया है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को ज़्यादा ग्रेवी अगर चाहिए होगा थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा लटपट ही खाते हैं तो हम लोग इस तरह करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे राइस के साथ खाऊंगा, राइस, मशरूम और थोड़ा सा पापड़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सबके को धन्यवाद।